जय गुरु। आज का आलोचना टॉपिक है, ठाकुर जी कब हमारा पुकार सुनते हैं। यह प्रसंग ठाकुर जी 16 जनवरी 1942 में बोले थे और यह टॉपिक आलोचना प्रसंग तृतीय खंड में कवर किया हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर के ठाकुर जब सुन पाते हैं तभी मैं सुन पाता हूँ। ठाकुर, हम किसी को छोड़ के नहीं गए हैं, वो सभी के साथ रहते हैं। दरअसल वो बहु रूप में, बहु भावों में रहते हैं। हम जब उनके प्रति जितना दूर विमुख होते हैं, वो उतना दूर हमसे अप्रकट रहते हैं। ज्ञानतों में हो या अज्ञानतों में हो, हम उनके साथ एक घर में रहते हैं। उनका दिया जो भी सब हम चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे अकृतज्ञ हैं जो उनको चाहते नहीं है, फिर भी वो हमारे प्रति विमुख होते नहीं है, उपेक्षा में रहते हैं। कब हम उनको चाहेंगे? जिस दिन सही में उनको चाहेंगे या पुकारेंगे, उस दिन वो सर्वव्यापी, सर्वभरा, सर्वशून्य आसमान में व्याप्त होके दर्शन देते हैं। ठाकुर हम सबका वही है। ठाकुर मैं भी मेरा तल ढूंढ नहीं पाया हूँ। परमपिता कैसे लीला रचाया है वही जानते हैं। उड़िया अनुवाद। अमर डाक श्री श्री ठाकुर सुनती केते बड़े। श्री श्री ठाकुर कहउछंती, तुम मानक अंतरर ठाकुर जेते बड़े सुनिया को पाती, सेते बड़े ही मोर सुनिवार सामिल हुए। ठाकुर आम काहाकु छाड़ी नाहंती, से सभींक सहित अछंती। फल कथा केवल से ही अछंती, बहु रूपरे, बहु भावरे। आमे जेउठारे जेते दूर विमुख तांक प्रति, से भी सेठारे सेते दूर अप्रकट आम मानंक पाखरे। जानंते अजानंते तांक सहित ही घर करिछु आमे। तांक दिया जा किछि सबु ही चाहूँ आमे, किंतु एपरी ही अकृतज्ञ जे तांकु चाहे ना, तेबे से विमुख हुवंतिनि आमानंक प्रति। प्रतीक्षारे काळ गणंति केतेबेळे चाहिब तांकु, जेउं दिन प्रकृतरे तांकु चाहूँ सेही दिन सबुव्यापी, सबु भरी, सबु शून्यतार आकाशरे व्याप्त होइ से धरा दियंति आमानंक पाखरे। ठाकुर आमानंकर किजे से ठाकुर, मो भी मोर तळ खोजी पाइलिनि। परम पिता जे की कांड करछंति से ही जानंति। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड 16 जनवरी 1942। आज का आलोचना यही खत्म करते हैं।